दिव्या गुप्ता, वेलकम टू आवर चैनल द युवा नेटवर्क। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, विच इज कॉलेज रिव्यूज। और आज दिव्या गुप्ता हमारी फर्स्ट गेस्ट है, जिसमें आज हम दोनों मिलके हम रिव्यू करेंगे हमारे कॉलेज को, विच इज लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिव्या एंड मैं, हम दोनों ही सेम कॉलेज से बिलोंग करते हैं। हम दोनों ने पास आउट किया है 2022 में। तो दिव्या, प्लीज अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे और शुरू हो जाए। Thank you so much, Aapi, for inviting me. She is like my dearest friend from college, so I call her Aapi. आप लोगों के लिए अर्पिता, मेरे लिए Aapi. Thank you for inviting me. Good to see you after so long on Zoom. Good to see you too. Here I go. My name is Divya Gupta. I hail from Varanasi. I did my graduation in BCom honors from Banaras Hindu University. Thereafter, I did my law from Delhi University Faculty of Law. And meanwhile, while doing BCom and लॉ, मैंने सी एस के पेपर्स क्लियर कर लिए हैं। एंड राइट नाउ अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है फ्रॉम वन ऑफ द पब्लिक कंपनी। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। सो दिव्या, आई थिंक हम सब ने एक ऐसा क्वेश्चन है जो फेस किया है, जो हम सबसे पूछा गया है जिसने भी 3 ईयर लॉ कोर्स किया है, कि हमने 5 ईयर लॉ कोर्स क्यों नहीं चूज किया। आधे से ज्यादा लोग तो शॉक हो जाते हैं कि 3 ईयर बोल के भी कुछ होता है, बिकॉज 5 ईयर इज टू इन राइट नाउ कि 3 इयर्स बिल्कुल ही ओवरशैडो हो गया है। तो मैं आपसे वो सेम इरिटेटिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने 3 ईयर लॉ कॉलेज क्यों चूज किया इंस्टेड ऑफ अ 5 ईयर वन। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेरा खुद का बहुत मन था 5 इयर्स लॉ करने का, बट मम्मी ने कभी घर के बाहर जाने नहीं दिया, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी उनके अकॉर्डिंग, कि 12th के बाद मैं आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकती हूँ। सो मैंने बीकॉम कर लिया, और बीकॉम करते करते आई रियलाइज कि आई हैव टू डू समथिंग जो मेरे कोर्स को एड ऑन करे। मैंने सीएस कर लिया, एंड व्हाइल डूइंग सीएस आई रियलाइज कि सीएस प्लस लॉ इज वेरी गुड एंड डेडली कॉम्बिनेशन। तो मैंने लॉ कर लिया, और सिंस 5 इयर्स लॉ कर नहीं पाई थी, तो ऑप्शन जो मेरे पास बचा वो था 3 इयर्स लॉ। बहुत सारे बच्चे इसलिए 5 इयर्स लॉ कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट होता है उनके पास, और बच्चे 3 इयर्स लॉ इसलिए परस्यू करते हैं, उनके पास फाइनेंशियल क्रंच होता है, बिकॉज 5 इयर्स लॉ की फीस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। बहुत लोगों को नहीं पता ये बात कि 5 ईयर लॉ कॉलेज में एक्चुअली इट इज सो एक्सपेंसिव। मैंने रिसेंटली एक स्टेटिस्टिक देखा था जिसमें लिखा था कि एनएलयू से इफ यू पास आउट इट्स अप्रोक्सीमेटली इट टेक्स 15 लाख, ठीक है, टोटल। बट हमारा इफ यू कंपेयर इट्स लाइक सो लेस। हम लोगों ने लॉ किया 30,000 रुपए में तीनों साल का। वी डिड लॉ जस्ट इन 20,000 रुपीज, यू वोंट बिलीव। और दोनों ही 5 ईयर लॉ और 3 ईयर लॉ, दोनों ही बीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है। सो लॉयर आप कभी भी बनते हो, ऐसे भी बनते हो। जो डिफरेंस होता है 5 ईयर लॉ में, आप कॉर्पोरेट में इजली जा सकते हो, यू गॉट मोर गुड कैंपस प्लेसमेंट। अब 3 ईयर में पढ़ने के लिए आपको पहले ग्रेजुएट होने की जरूरत है, जो कि 5 इयर्स में आपको नहीं होती। आप 12th के बाद जा सकते हो, ठीक है, बट लाइफ में कभी कभी इंसान बाद में भी रियलाइज करता है कि उनको लॉ करनी होती है, तो उनके लिए 3 इयर्स इज द बेटर ऑप्शन। राइट राइट, तो 5 इयर्स इज बेसिकली मोर गुड फॉर गोइंग इनटू कॉर्पोरेट एंड गेटिंग कैंपस प्लेसमेंट, और 3 इयर्स लॉ उनके लिए बेटर है जो लिटिगेशन पे जाना चाहते हैं और जजमेंट जुडिशरी करना चाहते हैं, एनीथिंग कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर जुडिशरी में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस और फ्रॉम लॉ सेंटर लाइक बीयू से हैं वो। सो द डिफरेंस बिटवीन यू नो 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, द मेजर डिफरेंस इज द फीस, बहुत ज्यादा। करेक्ट। सो दिव्या, हमने जहां से पढ़ाई की है, विच इज लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द बेस्ट 3 ईयर लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। इन फैक्ट वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस इन इंडिया, लेट्स जस्ट put it right there. तो इसका जो entrance exam होता है, which is DULLB, it is also kind of tough in its nature, and बहुत से लोग देते हैं, and इसके लिए बहुत तगड़ी preparation करनी पड़ती है इसको pass करने के लिए। So आप बताइए कि आपने किस तरह से preparation की, और आपकी preparation journey कैसी थी, और आपने कैसे crack किया DULLB? I'll start this question with my friends. मेरे बहुत सारे friends ऐसे हैं जिन्होंने एक एक साल प्रॉपर तैयारी करी है, किसी ने तो 2 साल करी है, किसी ने 6 महीने करी है, फ्रॉम वन ऑफ द गुड कोचिंग 60,000-60,000 की फीस पे करके कोचिंग करी है, तो भी किसी का नहीं हुआ, तो उन्होंने सेकंड ईयर ड्रॉप किया। मैंने उसे प्रिपेयर किया, आई जस्ट गॉट यूनिवर्सल की बुक, और मैंने सारे सेक्शंस, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स पढ़ लिया, लीगल जजमेंट पढ़ लिया, और एज इट इज सेट की इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं होता है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होते, बट सो अनसर्टेन और वास्ट।
तो वो मेरी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन चलती आ रही थी। तो जो चीज थी तो पहले से पढ़ रही थी, जो चीज मैटर करता है उस 3 घंटे में ना, आप कैसे किस स्ट्रैटेजी के साथ पेपर सॉल्व करते हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि आपका नेगेटिव मार्किंग ना हो, एक छोटी सी भी प्रिपरेशन से एग्जाम क्लियर हो सकता है। ऑल्दो एंट्रेंस बहुत टफ है, और मैंने ऐसे ही सेल्फ स्टडी करके अपना एंट्रेंस निकाला था और मेरा फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो गया था। तो दिस इज माई स्टोरी ऑफ टेकिंग एडमिशन इन बीयू। आजकल जैसे काफी लोग कोचिंग सेंटर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए, बट सेम स्टोरी कि मैंने भी कभी DU LLB के लिए एज सच कोचिंग तो नहीं ज्वाइन की थी, बिकॉज आई फाउंड इट कंपैरेटिवली इजियर, बट आज आई गेस कंपटीशन इज मच मोर नाउ, बट आई डोंट थिंक एज सच कि आपको जरूरत है कि आप किसी कोचिंग सेंटर में जाओ ही। तो आप क्या कुछ अच्छी बुक्स रिकमेंड कर सकती हैं जो आपने यूज की थी उस वक्त? मैंने यूनिवर्सल से पढ़ाई करी थी, यूनिवर्सल इज देयर, ल्यूसेंट इज देयर, सिंगल अरिहंत आई की बुक आ, गेस सॉरी सिंगल सिंगल इज ऑल्सो देयर, ल्यूसेंट इज देयर, अरिहंत इज देयर, बहुत सारी बुक्स आती हैं। आप उसको लेके आराम से स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ लो। ऐसा नहीं है क्योंकि सिलेबस इज वेरी वास्ट, डोंट गो इन डेप्थ, बिकॉज आपसे कॉलेज ये एक्सपेक्ट नहीं करता, यू नो एवरीथिंग। आप एडमिशन लेने आए हैं तो जस्ट हैव अ थोरो नॉलेज एंड आइडिया कि हाँ Article 12 हाँ किससे डील करता है, दैट्स इट। एग्जैक्टली आपको कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, लॉजिक और मैथ्स में थोड़ा कम, तो आई गेस यू विल बी गुड टू गो। तो दिव्या यू आर फ्रॉम लॉ सेंटर 1, आई एम फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, और एक हमारा कॉलेज है विच इज लॉ सेंटर 2। तो अब इन ये जो 3 कॉलेजेस हैं हमारे लॉ फैकल्टी के अंदर, तो इसके बारे में आप थोड़ा इसका सिस्टम थोड़ा समझा दीजिए, इसके टाइमिंग्स क्या है, एवरीथिंग अबाउट इट। So, there are 3 campuses in Delhi University, Faculty of Law, CLC, जहां अर्पिता बिलोंग करती है, जहां से LC1, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, LC2। अर्पिता विल बी बेस्ट पर्सन टू गाइड अबाउट CLC की टाइमिंग, बिकॉज वो वहां से पढ़ी है। तो ओवर टू यू अर्पिता। जी, CLC की टाइमिंग्स आर मोस्टली फ्रॉम 8 to 3:30, और आपको आपके क्लासेस इसी बीच में होते हैं, बीच में आपको ब्रेक्स मिलती है, एंड ओवर टू यू नाउ। सो LC1 की टाइमिंग है दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। स्टार्टिंग में पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं कि 7:30 बजे क्लास खत्म होगी, कभी कभी 8 बजे भी खत्म होती थी, कि दिल्ली में सेफ भी है 8 बजे क्लास करना, जहाँ IPC में आपको बहुत कुछ पढ़ाते हैं, मर्डर, रेप एंड एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। और DU में लड़कियों की स्ट्रेंथ थोड़ी कंपेरेटिवली कम है, तो बट आई वुड लाइक टू से कि हाँ, ऑल्दो टाइमिंग 7:30-8 है, बट ये बहुत सेफ है। आप आराम से फ्रीली कॉलेज जा सकते हैं, फ्रीली कॉलेज आ सकते हैं। और LC2 की टाइमिंग है morning 7 to 1:30। तो तीनों कॉलेजेस की टाइमिंग यही है, बट CLC थोड़ी ज्यादा टाइम ऑक्यूपाई करती है, बट बीच बीच में ब्रेक्स भी होते हैं उसमें, है ना अर्पिता? या इट इज थोड़ा तो अजीब लगता है कि CLC का इतना क्यों वास्ट टाइमिंग है, और उसका, और ऑब्वियसली और एक जो फैक्ट है कि CLC की बिल्डिंग अलग है और LC1 LC2 की अलग बिल्डिंग है। तो या LC1 और LC2 की जो बिल्डिंग है वो नई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ गुड देयर, और हमारी जो CLC की बिल्डिंग है आई वुड नॉट से मच अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स रियली बैड, यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट योरसेल्फ टू सी इट। It is the oldest building, right? या मतलब वो कभी भी गिर सकती है, आई एम नॉट इवन किडिंग। फील वो गिरने वाली, बट हाँ वो 100 साल पुरानी है। या ओके दिव्या, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज लॉ फैकल्टी में पढ़ने के आपको क्या प्रोज क्या नजर आए और कॉन्स क्या नजर आए? वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई ऑब्जर्व इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कि DU में ना लॉ फैकल्टी में इसको लॉ डाइवर्सिटी, यू विल गेट पीपल हेयर फ्रॉम ऑल दी बैकग्राउंड, पीपल डूइंग BSc से लोग करके लॉ कर रहे हैं, पीपल फ्रॉम BA बैकग्राउंड, फ्रॉम BCom बैकग्राउंड आर डूइंग लॉ। तो लोगों को ऐसा आश्चर्य होगा कि BTech वाले लोग भी क्या लॉ करते हैं, तो लोग BTech करके भी लॉ कर रहे हैं MBA करने की एंड बात भी कर रहे हैं इनफैक्ट। राइट। और मेरे खुद के फ्रेंड्स जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, या तो देयर इन वन ऑफ द वेरी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूशन लाइक विशन IAS, वहाँ में फैकल्टी मेंबर है, दे आर टीचिंग पीपल, दे आर मेकिंग IAS ऑफिसर्स, वो मेरे साथ लॉ कर रहे हैं, मैं उनको अपने नाम से बुलाती हूँ। पीपल इन मिनिस्ट्री, राइट, वो मेरे साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वो मेरा फ्रेंड है। तो हर स्ट्रीम के लोग हैं यहाँ पे लॉ कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी DU में आपको देखने को मिल जाएगी बहुत। ये सबसे बेस्ट पार्ट है DU का। और कॉन्स क्या क्या है, डाउन साइड्स क्या क्या है? ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट डिलेड यूनिवर्सिटी पूरे राइट इंडिया में,
अभी इतना स्लो है वो कि अभी इनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, क्लासेस एकदम आराम से शुरू होंगी। एक इंसान बच्चा कहीं एडमिशन ले चुका होगा, देन ही विल बी वेटिंग फॉर कि अब डीयू का यू नो एग्जाम होएगा, देन हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा, तब हमारा एडमिशन होगा। तो प्रोसेस बहुत स्लो है, मैनेजमेंट इज वर्किंग वेरी स्लो। तो ये बहुत बुरी चीज है। विथ मैनेजमेंट आई ऑल्सो फील कि जैसे मैंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा इशू है, प्लेसमेंट्स का थोड़ा इशू है, पर मेरे हिसाब से व्हाट आई एम सेइंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा है, प्लेसमेंट्स का थोड़ा है। इनफैक्ट आपको अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज एज सच नहीं मिलती है, आपको कोई पीजी वगैरह रेंट करके ही रहना पड़ेगा, एंड द एरिया इज काइंड ऑफ रियली कॉस्टली, तो उसपे तो पैसे जाते ही हैं, विच इज अ हिडन फैक्ट जो आपको कोई बताएगा नहीं, बट आई एम गोइंग टू टेल यू बिकॉज दैट इज व्हाट वी डू। तो ठीक है दिव्या, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ इट, विच इज प्लेसमेंट्स। तो आप अपना बताइए एक्सपीरियंस आपका कैसा था प्लेसमेंट्स को लेकर। सो व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है और मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है जब प्लेसमेंट की बात होती है। तो बिकॉज 2022 की मैं पहली स्टूडेंट थी जिसका प्लेसमेंट हुआ था, सो आई वॉज the very first time like 2022 batch में, और although मैंने placement नहीं लिया वो अलग बात है, तो LC1 ने काफी firms को बुला रखा था जो placement provide कर रही थी, like Merchant Mangaldas was there और Khaitan was there, EY was there, बहुत सारी firms, A firms भी थी, B firms भी थी, they are like B-tier, every kind of firm was there. तो placement इन्होंने दिया था, और अगर आप 20,000 लगा के lock कर रहे हो तो placement बहुत अच्छा है। So this was my experience of like placement from LC1. LC1 provides you placement. So Divya, I would like to ask you कि आपके batch में कितने लोग placed थे? Apart from me, around 40-50 people. But हाँ, around 40-50. Right. But ये बहुत कम है. It's not even 1%. It's not even 1% of the whole crowd. जितना DU मैन्युफैक्चर करता है बच्चों को, लॉयर्स मैन्युफैक्चर करता है हर साल, उसका 1% भी नहीं है। बिकॉज इसका एक ये भी रीजन है कि आधी जो क्राउड होती है वो जुडिशरी की तरफ चली जाती है, आधी क्राउड लिटिगेशन की तरफ चली जाती है। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कॉर्पोरेट में जाना है प्लेसमेंट, ऑल्दो ये बहुत कम देती है और बच्चे भी कम जाना चाहते हैं प्लेस होना। आई थिंक LC1 LC2 में फिर भी प्लेसमेंट का थोड़ा बहुत सीन है कि वहां पे थोड़ा बहुत मिल जाता होगा बच्चों को, बट CLC में एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज एंड एज फार एज द एक्सपीरियंस ऑफ माई पियर्स गोज, किसी को नहीं मिला है। तो ये बात अलग है कि हम ऑलरेडी केपेबल लोग हैं जो बाहर जाके खुद मेहनत करके वी गॉट इन टू गुड लॉ फर्म्स एंड वी गॉट गुड पैकेजेस एंड वट एवर, बट कॉलेज की तरफ से एज सच हमें कोई इतनी हेल्प तो हुई नहीं थी। So this is what I would like to say. But you are saying ki aapko mila, but aapne chhod diya. So what's the reason for that? I'll not tell the reason ki maine kyun placement nahi liya. Because main ye zarur bolungi ki haan, agar aap DU se law kar rahe ho, to aapka mindset bahut change ho jata hai. Exactly. You evolve. That is what I was asking. Aap bahut evolve ho jate ho. और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया, बिकॉज मेरा पूरा माइंडसेट, पूरा होराइजन पूरा चेंज हो चुका है। आप जैसे फ्रेंड सर्कल के साथ बैठते हो, जैसे लोगों के साथ बातें करते हो, वैसे बन जाते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्राउड मिलेगा। अब ऐसे लोग से बात करोगे, यू विल बी एमिंग एट यू नो, अगर आप माउंट एवरेस्ट एम कर रहे हो तो डेफिनेटली कंचनजंगा तक पहुंचोगे। तो यहाँ पे आपकी जो सोच है वो कॉर्पोरेट से बहुत दूर चली जाती है, कॉर्पोरेट इज नॉट योर एम एनीमोर। स्टार्टिंग इन DU एंड डूइंग लॉ फ्रॉम DU इज लाइक आप कॉर्पोरेट के लिए नहीं बने हो, यू विल डू एनीथिंग, मतलब यू कैन बिल्ड योर सेल्फ, अपना खुद का एम्पायर सेट कर सकते हो, बट यू वोंट बी वर्किंग अंडर समवन, आपको ऐसा फील होगा। सो आप इधर ही देख सकते हो कि प्लेसमेंट्स को लेकर दो अलग अलग डाइवर्जिंग ओपिनियंस है। शी थिंक्स की अच्छा प्लेसमेंट है, आई थिंक की बहुत ही घटिया प्लेसमेंट है। तो इट्स फॉर यू टू डिसाइड एंड इट्स फॉर यू टू आस्क योर सीनियर्स। ऑल्दो मुझे मिला तो भी नहीं लिया मिलने के बाद भी, बट सी वही बहुत ही, आई डोंट नो हाउ टू से इट, यू हैव टू कम हियर एंड एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन। आपको खुद ही एक्सपीरियंस करके सीखना पड़ेगा कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए भी तो आप शायद ना लो, सो दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पॉइंट फॉर टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज व्हाट आर द फ्यूचर ऑप्शंस फॉर अ पर्सन हु स्टडीज लॉ फ्रॉम लॉ फैकल्टी और एनी कॉलेज फॉर दैट मैटर।
सो आई विल स्टार्ट विद समथिंग जो हर एक इंसान जानता है कि अगर आप लॉ कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन गो फॉर इज गोइंग फॉर जुडिशरी. आप जज बन सकते हो और देन यू कैन गो फॉर लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, हाई कोर्ट लॉयर, और यू कैन प्रैक्टिस इन एनी लोअर कोर्ट. एंड देन यू कैन बी अ टीचर लाइक बाई डूइंग नेट जे आर एफ एंड ऑल. आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन गो इन कॉर्पोरेट, आप लीगल पैनलिस्ट बन सकते हो. तो आपका यू नो जो हॉरिजन होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, कुछ भी कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑल्सो, खुद की फर्म खोल लिया आपने. और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हमारी क्लासमेट्स हैं जिन्होंने खुद की फर्म खोल ली है फ्रेंड्स के साथ मिलके. सब बहुत कुछ कर सकते हैं. तो बेसिकली हाँ, बेसिकली द वर्ल्ड इज एट योर डोर. आप कुछ भी कर सकते हो. आपको जरूरी भी नहीं है कि आप लॉ बेसिस पे कुछ करो. आप कुछ भी कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली ये आपका हराइजन और बढ़ा देता है कि अब आप लॉ के साथ सेल्फ सफिशिएंट भी बन जाते हो. इट्स अ डिग्री विच मेक्स यू सेल्फ सफिशिएंट. आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो. यू डोंट हैव टू बी अंडर एनीवन एल्स, एंड विच आई थिंक इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. डोंट यू थिंक सो? या इवन आई थिंक सो. बट आई विल आल्सो लाइक टू से वन थिंग कि स्टार्टिंग में मेरा जो माइंड सेट था, मेरा जो थॉट था लॉ को लेके बहुत डिफरेंट था. आई यूज्ड टू फील लाइक मैंने लॉ क्यों किया. हाँ. मुझे लॉ नहीं करना था, मैं कुछ और कर ली थी. व्हाई लॉ? बट अभी मतलब तो सोचने का जरिया है, नजरिया है, वो बदल चुका है. अब मुझे ऐसा फील होता है कि लॉ इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन. लाइक डूइंग कुछ भी आप करते हो, कॉर्पोरेट में जाते हो, उससे बहुत अच्छा आपने लॉ किया. मतलब लोग एक अच्छी पोजीशन में होने के बाद भी वो लॉ कर रहे हैं. तो रीजन इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. राइट. आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो जाती है, वर्बल स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत कुछ होता है. वेल थैंक यू दिव्या, इट वॉज अ लवली डिस्कशन दैट वी हैड टूडे. हमारी काफी सारी चीजों पे डाइवर्जिंग ओपिनियंस भी निकल के आई हैं. हमने काफी डीप डिस्कशन, एकदम डीप एनालिसिस, डीप कट करके सब कुछ रिव्यू किया है. आई होप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको देख के ये अच्छा लगेगा, उनके एक एस्पेक्ट मिलेगा दोनों साइड का. मतलब वो शी इज फ्रॉम लॉ सेंटर वन एंड आई एम फ्रॉम CLC, तो आपको एक लॉ फैकल्टी का पूरा एक ओवरव्यू मिल गया है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एवरीथिंग. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एनी लास्ट वर्ड्स? नो अर्पिता, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. बात करके बहुत अच्छा लगा. आई होप व्यूअर्स को भी कुछ इंसाइट मिले हमारी चीजों से. एग्जैक्टली. यही हमारा मोटो है कि आप लोगों को हेल्प मिले हमारे एक्सपीरियंसेस से, एक डायरेक्शन मिले जिसपे हम लड़खड़ा के चले थे, आपको लड़खड़ा के चलना ना पड़े. सो दैट्स इट. थैंक यू. थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच. एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब, प्लीज टेल देम टू सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब. या ओके, चलो बाय एंड हैप्पी नेटवर्किंग. बाय बाय. सेम हियर. बाय.